नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सरकारी स्कूल के बारे में, गवर्नमेंट स्कूल। आज हम दो राज्य लेंगे, एक राज्य रहेगी हमारी यूपी। अभी हाल में हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और एक गवर्नमेंट स्कूल रहेगी दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल, और अभी हाल में है यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और जानेंगे कि दोनों स्कूलों का विकास कितना हुआ है, और फिर दोनों स्कूल को हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे किस स्कूल में पढ़ करके हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आखिर हम सब जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने पेट के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और बच्चे का भविष्य ही देश का भविष्य होगा। चलिए जानते हैं दोस्तों, अगर हम दिल्ली की फ्रंट स्कूल के बारे में बात करें, वो कैसा दिखता है। जैसे हम दिल्ली की सरकारी स्कूल के सामने पहुंचते हैं, उसका फ्रंट देखते हैं, जैसा लगता है कि दिल्ली की सरकारी स्कूल नहीं है, ऐसा लगता है कोई प्राइवेट स्कूल है, बड़ा प्राइवेट स्कूल जहां पर अमीर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर जैसे हम स्कूल में एंट्री करते हैं, जैसा लगता है हम कोई पार्क में खड़े हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है वहाँ का। और फिर हम क्लास में घुसते हैं, एंट्री करते हैं जैसे, तो दीवार पूरा रंग बिरंगी, हर क्लासरूम रंग बिरंगी है, और वहाँ की ब्रेंच बिल्कुल मॉडल, वहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं वाइट बोर्ड है, और वहाँ की टीचर बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम डिजिटल है। और दोस्तों, अगर वहाँ के बच्चे जो आम आदमी के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं, अगर वो उस क्लास रूम में बैठेंगे तो उनके अंदर भी एक प्राउड आएगा कि मैं भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वो भी दिल लगाकर पढ़ेंगे। तो ये इसीलिए ऐसा व्यवस्था वहाँ का बना गया है। और दोस्तों, सबसे मेन बात है कि वहाँ की टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी विदेश में फ्री एकदम सुविधा है। वहाँ की टीचर को वहाँ भेजते हैं विदेश में, वहाँ के टीचर विदेश में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की शिक्षा कैसी हो रही है, वहाँ की क्लासरूम कैसी हो रही है, पूरी एकदम ट्रेनिंग ले करके फिर वो भारत आते हैं। तो उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाते हैं, बिल्कुल टू कॉपी नहीं करते, उसमें भारत को लोग कंपेयर करते हैं क्या यहाँ पर बेटर होगा, फिर वहाँ यहाँ की सुविधा वैसी कर देते हैं। और दोस्तों, अगर हम अपने यूपी की सरकारी स्कूल के बारे में हम जानेंगे, तो वहाँ की फ्रंट नज़ारा रहेगा एक जैसा लगता है, जहाँ पर हम एक गाय बांधते हैं, भैंस बांधते, तबेला टाइप, तबेला जैसा हमारा सरकारी स्कूल रहेगी यूपी का। और दूर दूर तक न कोई पेड़ पौधे दिखते हैं, जो भी पेड़ पौधे हमारे स्कूल में लगाए जाते हैं छांव के लिए, ताकि बच्चे छांव के नीचे बैठ सके, इसलिए कुछ पौधे लगाए जाते हैं, बिल्कुल बुरी नहीं है। लेकिन वहाँ की व्यवस्था बता रहा हूँ, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम दूर दूर देखें, बिल्कुल खेत खलियान, और स्कूल का फ्रंट एकदम जैसे तबेला, फिर क्लास में हम घुसते हैं, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, और बच्चे अपने घर से एक मैट लेके आते हैं,
उस मैट को बिछा करके सभी लाइन से बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। और वहाँ की टीचर को अगर कुछ पूछ दिया जाए, कुछ स्पेलिंग ही पूछ दिया जाए, उनको नहीं आएगा। मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की अधिकांश वहाँ के टीचर ऐसे ही हैं, वो अपना बस ड्यूटी पूरा करने आते हैं, अपना फ़ोन लेकर वो बिजी हो जाते हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या लिख रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं रहती है। और फिर मिड डे मील दिया जाता है वहाँ, तो मिड डे मील क्या दिया जाता है पता है? जो देना चाहिए, जो मेनू रहता है वो उस हिसाब से दिया नहीं जाता। दोस्तों अभी हाल में ही आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि एक पत्रकार ने यूपी की सरकारी स्कूल का एक पोल खोल दी, वहाँ जो मिड डे मील दिया जाता है वो क्या रहता है पता है? वो एक नमक और रोटी रहता है। वहाँ के बच्चे नमक और रोटी से भोजन करते हैं, वही उनका भोजन है। उस पत्रकार को मैं सलाम करता हूँ जितनी बहादुरी से वो वीडियो को मीडिया वाले के पास भेजा और हर अखबार में छापा, और सिर्फ छापा नहीं, उसने शिकायत भी की लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। फिर उस पत्रकार का क्या हाल हुआ है पता है? उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो बेचारा इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, बहुत ही परेशान है वो। वहाँ के पत्रकार का जब यह हाल है दोस्तों, आम नागरिक का क्या हाल होगा? वो कैसे आवाज़ उठा पाएगी कि हाँ ये दिल्ली यूपी की ऐसी जंगल राज है? अभी सुप्रीम कोर्ट में बोल ही दिया है कि यूपी एक जंगल राज है। दोस्तों अगर हम अपने यूपी बिहार की पूरा विकास देखना चाहते हैं, हमें सोच समझकर किसी सरकार को वोट देना चाहिए। और हमें सबसे पहले बात है, हमें जातिवाद पे वोट नहीं देना चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं दे देना चाहिए। और दोस्तों आजकल तो गोदी मीडिया तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सारा न्यूज़ दिखाया जा रहा है, आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, आपको अपना पेट नहीं दिखता, अपना रोड नहीं दिखता, अपने घर की लाइट नहीं दिखती, आप विकास देखना नहीं चाहते, बस हिंदू मुसलमान जातिवाद में फंसे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हो पाएगा? दोस्तों मैंने आप सभी को दो गवर्नमेंट स्कूल बताए, इन दोनों में कितना फ़र्क है दोस्तों? इन दोनों में इतना फर्क क्यों है दोस्तों? क्या यूपी की जनता, क्या बिहार की जनता वोट नहीं करती सरकार को? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? दिल्ली सरकार के पास कहां से पैसा आ गया? वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो जनता का पैसा जनता में ही डाल रहे हैं। और हमारी सरकार हमसे ही पैसे लेकर फिर सिर्फ वो चुनाव में खर्चा करती है, मीडिया वाले को देती है ताकि वो हिंदू मुसलमान बोल करके वो आपका ब्रेन वॉश कर सके, पाकिस्तान पर डिबेट दिखा सके। अरे हम पाकिस्तान से क्या लेंगे, हमें अपने भारत को देखना है, हमें अपना पेट देखना है, हमें अपने देश का विकास देखना है, हमें अपने बच्चे का भविष्य देखना है। दोस्तों हमें
हम सभी को बदलाव लाने की ज़रूरत है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तभी यूपी बिहार की भविष्य बदल सकती है और बदल जाएगी। जनता जागरूक होगी तो सवाल उठाएगी, जागरूक होने की देर है। जैसे ही जागरूक होगी, आपका भी बच्चा जैसे दिल्ली की सरकारी स्कूल मॉडल स्कूल में पढ़ रहा है, आपका भी बच्चा वैसे ही मॉडल स्कूल में पढ़ेगा, उसका उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, हम सभी के बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। सभी का मंगल हो।